फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन चार्ट अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर फ्यूजन चार्ट के, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। ट्विटर पर हम लोगों के 3000 प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं, ओके। और ये सब आपके प्यार की वजह से है, आपके सपोर्ट की वजह से है, और ऐसे ही देते रहिए और हम ऐसे ही अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे आपके लिए, ओके। जिस जो नए हैं वो यहाँ सब्सक्राइब बटन होता है उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, अच्छे लगे कंटेंट तो। और ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का कॉन्टेक्ट करने के लिए, एंड ट्विटर लिंक भी दे रखा है, ये मेरी ट्विटर आईडी है, ओके। सो आज का टॉपिक बेसिकली हम लोग जो आप लोगों की क्वेरीज थी वो सारी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑन स्टॉक्स। जो भी आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं उन पर हम लोग एनालिसिस देखेंगे, क्या हो सकता है पॉसिबल, इसमें क्या क्या नहीं हो सकता, वो सब चीज़ देखेंगे, और कुछ ट्रेड भी डिस्कस करेंगे अभी लेटेस्ट वाले, ओके। तो शुरू करते हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेरी आई है मेरे पे अशोक लेलैंड की, अशोक ओके। सो बेसिकली अशोक लेलैंड एक अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके। दिस इज द ट्रेंड लाइन, एंड अब जो ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक कर दिया है इसने, तो पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छा अप मूव दे, ओके। बेसिकली टारगेट्स जो इसके रहेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट 90, 93 एंड 100 प्लस के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, ओके। और सपोर्ट जो रहेगा नीचे का वो रहेगा 79 का, ओके। सो इट्स लुकिंग गुड, ओके। अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है, और डिप में मिले तो बाई करिएगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 79, ओके। नेक्स्ट क्वेरी थी हमारी एच डी एफ सी लाइफ। सो एच डी एफ सी लाइफ नथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल नहीं है अभी भी, ओके। तो ये एक तरह से रिट्रेसमेंट जोन पर है, आपको फर्दर ट्रेड लेना है तो इस जोन के ऊपर लीजिएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था उसके लिए, ओके। 645 के ऊपर अगर प्राइस डे क्लोज करता है, डेली में क्लोज करता है, देन यू कैन टेक द ट्रेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस 614, ओके, पोजिशनल ट्रेड। सो दिस इज लुकिंग गुड, बट इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक डिसाइसिवली क्लोज देना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। उसके ऊपर 645 के ऊपर वो क्लोज दे, 646 के ऊपर क्लोज दे डे में, तो यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड ऑन अ डिप द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस लेवल, ओके 615। नेक्स्ट इज यस बैंक, इन्वेस्टर्स चॉइस। सो इन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है यस बैंक में, ओके। अगर आपको फर्दर ट्रेड लेना है तो इस स्विंग के ऊपर देखिएगा, ओके। कोई बाई का अगर आपको ट्रेड चाहिए तो इसके ऊपर देख सकते हो आप लोग, विद द सपोर्ट ऑफ 50, इसके ऊपर आप बाई का लेवल्स देख सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 62 एंड 72। दैट्स द व्यू फॉर यस बैंक। यस बैंक हम लोगों को अगर लॉन्ग जाना है किसी को भी, तो यू कैन गो अबव दिस लेवल, ओके। दिस इज द जोन वेयर यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड इन यस बैंक, अदरवाइज नॉट। जब ये एक अच्छा क्लोज दे देगा प्राइस यहाँ पर इसके ऊपर लाइक दिस, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट डिप, डिप में बाई करिएगा। ये जोन हमारा सपोर्ट जोन होगा, ठीक है। 72-73 हमारा सपोर्ट जोन होगा, यू कैन बाय एट दिस पॉइंट फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 98-100 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी के लिए कोई व्यू नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज PNB, तो PNB लेट्स सी, ओके। PNB एक अच्छा जोन पर तो है, ओके। फर्दर आपको अगर ट्रेड चाहिए PNB में, तो ये जोन को ब्रेक करने के लिए वेट करिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट इनिशिएट अ ट्रेड। अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है तो देन एक डे क्लोज मिलता है, देन यू कैन इनिशिएट द ट्रेड विद द सपोर्ट ऑफ 67 एंड 68। यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ दिस गैप जोन, ओके। तो ये गैप को फिल कर सकता है यहाँ पर, सो पॉसिबल टारगेट ये हो सकता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस वेट करिए, डे क्लोज हो, डेली में क्लोज होता है इस लेवल के ऊपर, देन गो फॉर द लॉन्ग साइड ऑन PNB फॉर द टारगेट ऑफ 76 एंड 78 एंड 80 प्लस, ओके। नेक्स्ट इज
बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, लेट्स सी। ओके, बजाज ऑटो ने अभी लेटेस्ट स्विंग तोड़ा है एंड बट इट्स एट द सपोर्ट जोन, सो लेट्स सी यहाँ से कोई रिवर्सल बनेगा देन वी कैन सी अपसाइड हेयर, बट अभी के लिए वेट करिए, यहाँ पर रिवर्सल बनने दीजिए डेली पर, कुछ रिवर्सल मिलता है देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग साइड एट दिस पॉइंट, अदरवाइज कोई भी ट्रेड नहीं है अभी के लिए। ओके, बजाज ऑटो में, यस यही है, यहीं से कोई रिवर्सल आए या हैमर बने कुछ भी देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड इन शॉर्टर टाइम फ्रेम में, आप लोग वहाँ देख लेना ट्रेंड वगैरह तो वहाँ पर यू कैन इनिशिएट, तो खैर खास कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको बेसिक प्राइस एक्शन पता है तो इफ़ यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, ओके तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही थी ये, बट यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला ये एरिया एंड देन वहाँ से रिजेक्ट होकर ये डाउन साइड के लिए गया। ओके एंड देन नेक्स्ट इज बेल, BEL, ओके बेल में, सॉरी क्या हो रहा है बेल में, ओके बेल इज एट ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ठीक है ट्रेंड लाइन सपोर्ट से वो बाउंस ऑफ हुआ 1 2 3, इफ यू कैन सी दिस 1 2 एंड 3, सो यहाँ से ही बाउंस ऑफ हुआ है, सपोर्ट ले रहा है, सो बेटर है कि आप लोग 1 मिनट, बिल ओके सो विद द सपोर्ट ऑफ 95, ओके और यू कैन पुट द स्टॉप लॉस बिलो 96 एंड यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड इन बिल, ओके और टारगेट इसका जो रहेगा इनिशिएट कर सकते हो आप लोग लॉन्ग साइड, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 112 एंड दिस जोन 112 115 एंड दिस जोन 118, ओके सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5 पॉइंट्स यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड फॉर 112 111 10 एंड 118, ओके सो यू कैन एक्सपेक्ट इट। नेक्स्ट इज वी ए टेक, ओके इट्स लुकिंग गुड, ओके इट्स लुकिंग गुड, बेटर है, अब क्या करो यहाँ पर, ओके वॉल्यूम अच्छी है, ब्रेकआउट अच्छा मिला है, एक जोन बनाकर एक कंसोलिडेट कर और वी कैन से एक बिल्डअप होकर प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है एंड बहुत अच्छी वॉल्यूम आई है, सो ऑन डिप यू कैन बाय दिस वी अटैक बिटवीन 206 to 298 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 190, ओके विद द स्टॉप लॉस ऑफ 190 यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड बिटवीन 206 to 195, सॉरी 198, ओके स्टॉप लॉस 190 एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स दिस जोन दैट इज 260 250 260 और 240, यू कैन गो फॉर द टारगेट 240 260 एंड 250, ओके इट्स लुकिंग गुड। नेक्स्ट इज सीमेंस, ओके सीमेंस लेट्स सी वीकली चार्ट, ओके दिस लेवल इट्स गिविंग अ सपोर्ट फॉर इट, सीमेंस ओके सो इन सीमेंस व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो लॉन्ग अबव इट एंड यू कैन गो शॉर्ट बिलो इट, ओके सो दिस इज द कंसोलिडेशन यू कैन से इन सीमेंस, सो इट्स बेटर के आप लोग इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर प्राइस जाता है सस्टेन करता है डे क्लोज देता है इनको, यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड टुवर्ड्स दिस जोन, ओके सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1535, 1535 का सपोर्ट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के नीचे सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर यू कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ दिस, एल्स अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है यू कैन नॉट टेक एनीथिंग इन सीमेंस, बेटर है कि इसके ऊपर ब्रेक करे तभी लो, बीच में कुछ मत लो, ओके आपका जोन आए तो लो नहीं तो मत लो। ओके टाटा मोटर्स
सी टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स ने एक अच्छा मूव तो दे चुका है ये। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट के टाटा मोटर्स के लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा ये एरिया को क्रॉस करना, बिकॉज अर्लियर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये एंड ये रिजेक्ट हुआ था यहाँ पर इसी एरिया में। सो पॉसिबल है यहाँ से एक रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप लोग इसके ऊपर प्राइस ज़्यादा है सस्टेन करता है, दैट मीन्स अबव 200 201 प्राइस क्लोज करता है डेली में, देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड, अदरवाइज देर इज नो ट्रेड एट ऑल इन टाटा मोटर्स। अगर आप यहाँ वीकली चार्ट देखोगे तो भी इसमें अभी ब्रेकआउट या कुछ भी ट्रेंड लाइन का सिस्टम नहीं दिख रहा है। ओके, इट्स नियर एट दिस पॉइंट। सो वही पर्टिकुलर एरिया जो मैंने बताया, जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होगा तो यू कैन नॉट इनिशिएट अ ट्रेड। सो इट्स वीकली चार्ट इज ऑल्सो टेलिंग दैट यू। ओके, सी दिस। सो इट्स बेटर के 2-0 के ऊपर, 2-0-1 के ऊपर क्लोज दे, देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड यार। ओके, नेक्स्ट इज ओके शक्ति पंप। ओके, शक्ति पंप एज सच डाउन ट्रेंड में ही है, कुछ खास नहीं है शक्ति पंप में। ओके, कुछ भी नहीं है शक्ति पंप में, एज सच डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ओके, बेटर है आप लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना है तो इट्स बेटर के लॉन्ग ट्रेड आपका इस जोन के ऊपर हो। ठीक है, जब तक ये जोन क्लियर नहीं हो जाता, जब तक ये जोन ऊपर से प्राइस यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से क्लोज नहीं हो जाता डे डे क्लोज में, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ रैली फ्रॉम इट, अदरवाइज इट विल बी इन डाउन ट्रेंड ओनली। ओके, सो विद वॉल्यूम के साथ आप लोगों को इसके ऊपर प्राइस जाए, मीन्स वी कैन से 260 के ऊपर प्राइस जाता है, देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड हियर। ओके, अदरवाइज देर इज नो ट्रेड जोन एट ऑल। सी डी एस एल में तो बहुत अच्छा एक विद वॉल्यूम ब्रेकआउट आया हुआ है, इफ़ यू कैन सी दिस। हाँ, ओके, सो इट्स ऑलरेडी मार्क्ड, यू कैन सी ऑन माई चार्ट एज वेल। तो सी डी एस एल अच्छा लग रहा है, आप लोग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, एक अच्छा बिल्डअप बनाता हुआ दिख रहा है प्राइस, और चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो आप उठा सकते हो, डिप में उसको बाई कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा चक्कर है, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 230 रुपये का। ठीक है, 230, 230 और 229 आपका सपोर्ट जोन बोलते हो उसको। ठीक है, सपोर्ट जोन है और बिलो दैट आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एंड यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड एट सी डी एस एल। ओके, एंड फॉर द टारगेट ऑफ दिस जोन, ओके फॉर द टारगेट ऑफ 274, ओके 274, 280 एंड 300+ यू कैन एक्सपेक्ट, इवन 310 और अच्छा जा सकता है, बहुत ऊपर जा सकता है प्राइस, इट मे कंप्लीट दिस यू शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, सो 383, 385 कैन एक्सपेक्ट। ओके, एज अ लॉन्ग टर्म बेट यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। ओके, ए बी कैपिटल, नेक्स्ट इज ए बी कैपिटल, आदित्य बिरला। ओके, ए बी कैपिटल तो मार्क्ड है ऑलरेडी, और अच्छा यहाँ से बाउंस ऑफ हुआ ट्रेंड लाइन जो हमारा सपोर्ट बन गया था। सो ए बी कैपिटल अभी के लिए तो कोई ट्रेड नहीं है, बिकॉज आपको लेना था तो यहाँ ले सकते थे जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, अदरवाइज देयर इज नो ट्रेड। ए बी कैपिटल में जो इन्वेस्टेड हैं रिमेन्स इन्वेस्टेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 93। ओके, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली ऑफ 117। ओके, 117 एंड व्हाट इज दिस 115, 125, 117 और 125 के टारगेट यू कैन एक्सपेक्ट विद द ए बी कैपिटल। स्टॉप लॉस भी बोल दिया मैंने। ओके, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सो
डॉक्टर लाल पैथलैब, ओके, लाल पैथलैब आपका सपोर्ट बनाकर यहाँ से ऊपर जा रहा है, प्लस इट्स ब्रोक दिस जोन ऑल्सो। सो गाइज, यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड हेयर इन डॉक्टर लाल पैथलैब, ओके। अगर डिप में मिलता है, डिप में नहीं तो आप CMP पे भी जा सकते हो विद फुल क्वांटिटी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1486, ओके, 1480 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कोई भी डिप मिलती है आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1623 एंड दिस जोन 1665 प्लस यू कैन एक्सपेक्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1480 डॉक्टर लाल पैथलैब। ओके, आर वी, नेक्स्ट स्टॉक इज आर वी एन एल। ओके, फाइनली इट ब्रोक दैट ट्रेंड लाइन का क्या हुआ? नो, स्टिल ये एक एट रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके, सो बेटर है, जिसने भी ये क्वेरी पूछी है, बेटर है आप लोग इस जोन के ऊपर जाइए। ओके, व्हेन प्राइस इज क्लोजिंग अबव दिस जोन देन यू कैन एंटर एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो आप बिटवीन 25 से 2570 के बीच में आप लोग डिप पर बाई कर सकते हो, और 50% क्वांटिटी बिस ब्रेकआउट पर भी खरीद सकते हो विद वॉल्यूम। यहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट भी हो रही है अच्छी, लेट्स सी कि अगर वो क्लोज होता है इसके ऊपर 25.70 डे क्लोज ऊपर देता है देन यू कैन इनिशिएट 50% क्वांटिटी रेस्ट ऑन डिप विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24.30 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका 27, 29 एंड 30+। ओके, बिल्डअप अच्छा बनाया हुआ है स्टॉक में। जी जील, लेट्स सी जील। ओके, जील इज नॉट लुकिंग गुड नाउ। ओके, कुछ अच्छा खास नहीं लग रहा है जील में, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है वहाँ। अभी तक देखोगे तो आप वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, इट्स क्लियरली ऑन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मीन्स लोअर लो एंड हायर लो, यू कैन सी दिस। तो एक अब दिख रहा है कि यहाँ से ये फिर तोड़ सकता है इस जोन को। सो बेटर है कि आप लोग वेट करिए, शॉर्ट कर सकते हो आप लोग बिलो दिस जोन, ठीक है, बिलो दिस लेवल। यू कैन शॉर्ट जील फॉर द टारगेट ऑफ दिस जोन 235, ओके, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 270। तो कुछ खास नहीं है जील में, शॉर्ट करने वाले शॉर्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी नेल्को, नेशनल ओके। सो नेल्को इज ऑल्सो मेकिंग अ गुड स्ट्रक्चर। ओके, सो इन नेल्को विल लुक फॉरवर्ड फॉर दिस जोन। ओके, अगर ये जोन क्लियर करा इसने नेल्को ने, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली। यू विल इनिशिएट अ ट्रेड अबव दिस जोन, दैट मीन्स अबव 48.70 प्राइस क्लोज होता है, तो यहाँ पर जाइए आप लोग, इनिशिएट करिए लॉन्ग ट्रेड को, और विद अ सपोर्ट ऑफ 45.50। द सपोर्ट ऑफ 45.50 यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड फॉर द टारगेट ऑफ 52 एंड 59 एंड 60+। ओके, इट कैन बी द टारगेट, बट अभी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना नालको में। टाटा मोटर्स मैं अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रैक स्टॉक्स मूवमेंट, वाई आई एम आस्किंग दिस, यू आर डिफरेंट सेक्टर स्टॉक्स, योर स्टॉक सिलेक्शन इज अमेजिंग, आई एम योर फॉलोअर पास्ट 1 मंथ, थैंक्स। ओके, ये तो क्वेरी नहीं थी, ये जस्ट फीडबैक थी। नेक्स्ट इज बजाज फाइनेंस सोल्ड एट 4150 टू लॉट्स, बजाज फाइनेंस, लेट्स सी। ओके, 4150 इन फ्यूचर। सो अभी तो रिजेक्ट हो रहा है सर, हो सकता है पॉसिबिलिटी है और डाउन साइड दिखाए आपको, तो कंटिन्यू करके रखिए, ठीक है। आपका प्राइस भी आ सकता है और टारगेट और अच्छा भी मिल सकता है। तो जब आपके कॉस्ट पर आए तो आप लॉस में हो अभी इस टाइम, तो अगर आपके कॉस्ट पर आए तो एक लॉट निकाल दीजिए और एक लॉट को होल्ड करिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड इन इट, ठीक है, रिजेक्शन दिख रहा है।
ONGC, ONGC ऑलरेडी डिस्कस्ड था. ओके, ONGC, ONGC का टारगेट तो ये अभी अचीव नहीं करा टारगेट ने, बट एक पॉइंट दूर रह गया टारगेट से. बट ONGC मे बी पॉसिबल के मंडे को, देखते हैं कल क्या होता है. जो आपकी न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, देखो कल कैसे खुलता है मार्केट, तो जब देखेंगे. अभी तो ONGC अच्छा चल रहा था, बट ये यहाँ पर गैप फिल कर दिया. देखते हैं मंडे को क्या करेगा. ओके, अच्छा, इनने ONGC, बाय सीइंग योर चार्ट ऑन ONGC आई बॉट फेब्रुअरी फ्यूचर एट 126 एंड सोल्ड इट यस्टरडे एट 130. यू कैन वी बाय फॉर लॉन्ग टर्म? यस, यू कैन बाय फॉर द लॉन्ग टर्म विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 124. विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 124 यू कैन गो फॉर इट इन कैश. ओके, फॉर द लॉन्ग टर्म. ये कोई क्वेरी नहीं है. जूनियर जूनियर 20. ओके, लेट्स सी ऑन डेली. इज इट, इट्स अ म्यूचुअल फंड ना? या इट्स अ म्यूचुअल फंड. ओके, 300 के ऊपर देखेंगे इसको, अभी कुछ भी नहीं है ऑन इट. ओके, टाइटन, टाइटन तो गैप से रिजेक्ट हो गया ना. हाँ, गैप एरिया था यहाँ पर. इट्स ऑल अ रिजेक्शन जोन, सो गैप जोन से ही ये गिरा है. ओके, सो अभी नीचे का सपोर्ट ये है और ऊपर का रेजिस्टेंस भी ये है, तो बेटर है इन दोनों को हिसाब से आप लोग ट्रेड करिए. नीचे ब्रेक करता है, अच्छा एक क्लोजिंग देता है, देन शॉर्ट ऊपर जाता है, देन बाय द स्टॉप्स, स्मॉल स्टॉप लॉस. ओके, एंड नेक्स्ट टाइटन, सेम वही चीज़, रिलेस इंडिया. ओके, इट्स इन अप ट्रेंड. ओके, लुकिंग गुड, बट अभी ट्रेड इनिशिएट करना सही नहीं रहेगा. ओके, अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं करिए, बीच में नहीं कर सकते. कोई डिप आती है, लाइक प्राइस अगर दोबारा यहाँ इस तरीके से जाता है ट्रेंड लाइन पे, देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड. ओके, और ट्रेड भी जब लेना है जब भी थोड़ा सा रिवर्सल दे दे विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दैट स्विंग, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली एट दिस पॉइंट. मीन्स यहाँ तक आप एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसके हाँ यहीं तक ही, 194 के तक ही आप यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है दिल्ली से इंडिया में. ओके, आरबीएल सर प्लीज चेक आरबीएल चार्ट, आरएसआई अबव 50. सो गाइस, जो जिसने भी आरएसआई मतलब आरबीएल के बारे में पूछा है, तो मैं बता दूँ मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, आरएसआई वगैरह फलाना ढिमकाना. तो इट्स बेटर आप लोग ये मत बताइए कि आरएसआई 50 ऊपर, ये सब चीज़ मैं देखता नहीं हूँ, जस्ट प्राइस एक्शन ओनली. ओके, तो स्ट्रक्चर इज़ गुड, बट आपको जो ट्रेड लेना है वो आपको 418 के ऊपर ही लेना है, बाइंग जोन जो बनेगा आरबीएल का. ओके, बाइंग जोन आपका यही बनेगा, 400 का स्टॉप, 400 का सपोर्ट, और 400 का सपोर्ट और 418 के ऊपर आप लोगों को एंट्री लेनी है फॉर द टारगेट ऑफ 440 एंड 490 एंड 500 प्लस. ओके, बट एवव ओनली 418 विद द सपोर्ट ऑफ 400. ओके ओके, डाउन ट्रेंड है, क्लियर, कुछ नहीं है, नो ट्रेड, नथिंग, कुछ भी नहीं है. अगर आप होल्ड कर रहे हो, अच्छा आप होल्ड कर रहे हो, परचेज प्राइस है 14.5. वाओ,
यहाँ पर इन्होंने किधर खरीदा है, यहाँ कहीं खरीदा है और यहाँ प्राइस आ चुका है। वाई यू आर नॉट फॉलोइंग द स्टॉप लॉस बड़ी, आप स्टॉप लॉस को अगर ये था तो यहाँ पर निकल जाते, अगर आपको अपने हिसाब से दिख रहा था तो क्लियरली डाउन ट्रेंड है, एग्जिट कर लोगे तो सही रहेगा यहाँ पर, और ज़ीरो नहीं लाना है तो। ओके नेक्स्ट इज IIFL सिक्योरिटी। ओके इसमें तो भाई ये ट्रेंड ही चल रहा है, सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं, नथिंग। अगर होल्ड कर रहे हो तो होल्ड करते रहो जब तक एक लोअर सर्किट नहीं लगता या फिर कोई स्विंग नहीं तोड़ता, ये जैसे कि 38 नहीं तोड़ता तो होल्ड करो, अदरवाइज कोई ट्रेड तो बनेगा नहीं अभी यहाँ पर। ठीक है डी मार्ट, लेट्स सी, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। ओके डी मार्ट की मेरी देखो ये पहले से मार्के ही मेरी एंट्री थी यहाँ पर। ओके समा मैंने यहीं बुक करा था इस लेवल पर जब ये कैंडल एक शार्प अप टिक दिया था, तो 1761 पे मैं निकल गया था। और एज सच अभी कुछ नहीं है डी मार्ट में, लेट्स सी ऑन वीकली चार्ट एज वेल, सो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ओके डी मार्ट में नहीं है कुछ भी, जोन 2000 के ऊपर जाएगा जब भी देखेंगे, अदरवाइज देर इज नो बाइंग लेवल फॉर डी मार्ट। ओके एल एन टी फाइनेंस, LNT, ओके अब आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो ढंग से समझिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, ट्रेंड किस तरीके से पकड़ा जाता है। तो इफ़ यू कैन सी कि यहाँ से क्लियरली एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई सॉरी लोअर लो एंड हायर लो, तो ये लोअर लो हायर लो, हायर लो हायर लो लोअर लो। तो अब आप ये देखो कि इस कैंडल ने पर्टिकुलर एक कैंडल ने विद वॉल्यूम मैं आपको एक मार्क करके दिखाता हूँ, एक स्विंग, ये जो ये एक लो को तोड़ा, ठीक है स्विंग हाई को एंड ये लोअर हाई को ये तोड़ा। ठीक है तो बेसिकली जो अब ये दिख रहा है यहाँ पर तो कि ये ट्रेंड चेंज, प्राइस एक्शन कहते हैं, प्राइस एक्शन चेंज हो गया। ठीक है ट्रेंड चेंज नहीं है, प्राइस एक्शन चेंज है। तो प्राइस एक्शन चेंज है तो लेट्स सी कि क्या चीज़ और कौन सी लेवल्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो देखो एक ये लेवल इंपॉर्टेंट है और एक ये लेवल, तो ये एरिया है इसके लिए जो इसको फर्दर और क्रॉस करने हैं टू बी इन अ अप ट्रेंड। ठीक है सो LNT फाइनेंसिस बेटर के आप लोग इसके ऊपर जाएँ तो ही सही रहेगा। ठीक है तो अब इतना ना हम लोग को ज़्यादा ना लगाते हुए हम लोग इतना मार कर सकते हैं इसको कि इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस जाता है देन वी विल इनिशिएट अ ट्रेड। ठीक है फॉर द लॉन्ग साइड, सिंपल एज दैट। तो इसके ऊपर जाएगा 126 127 के ऊपर अगर सस्टेन करता है डे क्लोज में, देन वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 137 इवन 156 लाइक दैट। ओके सो स्ट्रक्चर भी अच्छा बना रहा है। ठीक है तो इस तरीके से ट्रेंड को देखा जा रहा है। तो नेक्स्ट इज ओके टाटा मोटर्स मैंने बता दिया है, ITC, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन मेरी को सारी सबकी क्वेरीज सॉल्व करनी है, सो आई हैव टू मेक इट लाइक दैट। ओके सो आपको समझ में भी आया मैं किस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी हो तो आप देखिएगा बस। तो ITC ने एक अच्छा पकड़ बना रखी है इस जोन में, इफ़ यू कैन सी दिस जोन। सो ITC जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ता यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड, स्ट्रक्चर इज़ नॉट पॉजिटिव येट। ओके सो स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ पॉजिटिव येट बट ट्रेंड इज़ नॉट अ गुड। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको इनिशिएट करना है ट्रेड, सो अभी मैं एक वीकली चार्ट और देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। सो ओके प्राइस इज़ नॉट गुड येट, तो कोई रिवर्सल वीकली में भी नहीं है, डे चार्ट में तो कुछ है ही नहीं, बस सपोर्ट जोन है एक, सो इट कैन ब्रेक। ओके ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेक कर सकता है, तो इट्स बेटर कि ITC में अगर ट्रेड लेना है तो इस जोन के ऊपर लेंगे हम लोग, अदरवाइज वील इग्नोर दैट, सिंपल। अगर आपको लॉन्ग जाना है ITC में, शॉर्ट जाना है तो इस
ये एरिया तोड़ता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन साइड, ठीक है, डे क्लोज पर। बट अगर आपको लॉन्ग जाना है तो ये एरिया बहुत सही रहेगा, 247-248 के ऊपर क्लोज देता है देन फॉर द अपसाइड। ओके, नेक्स्ट इज भाव भाग्य नगर, सॉरी भाग्य नगर प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री। ओके, सो ये स्टॉक है इनका, भाग्यनगर इंडिया, इट्स नॉट इंडस्ट्री, इट्स इंडिया। ओके, सो इट्स ऑलरेडी इन डाउन ट्रेंड। ओके, अगर आप 51 पे ले रखी हो और अभी तक होल्ड कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई, मेरे को लगता है कि अभी तक एज ए इन्वेस्टर ये बहुत गलत है, और आपसे बड़ा कोई, मैं क्या बोलूँ, गलत नहीं बोलना चाहता बट बेवकूफ़ ही है ये, सीधी सीधी बात है। अगर आप होल्ड कर रहे हो 50 रुपये चीज़ को अभी तक, इट्स बेटर कि आप 50 रुपये चीज़ लेते, 5 रुपये के स्टॉप लॉस लगाते। अगर 50 पे बाई करा, 45 आया, वहाँ एग्जिट कर लो, ये आपको ये इतना डाउन साइड बच जाती। बट आपने टॉप पर ख़रीदा हुआ है 51 पर यहाँ, एंड यू आर होल्डिंग टिल नाउ, सो दैट्स नॉट गुड। सो इट्स बेटर ब्रदर कि आप इसको एग्जिट कर लो। ओके, और कुछ स्टॉक्स में स्विच कर लो। GNFC लस्ट, ओके, कुछ भी नहीं है, नो व्यू, नो सेल, ओके। सो इफ यू कैन सी नो सेल एज वेल, यहां पर भी सेम वही चीज है कि ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ओके, यहां एक कोशिश करी गई है कि वो ट्रेंड चेंज हो, एक पर्टिकुलर एक ये हाई और एक ये हाई, तो ये हाई अगर ब्रेक करता है, ठीक है, बिकॉज ये दो जोन बोल सकते हो आप लोग, ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन है जहाँ पर प्राइस को ब्रेक करना होगा। अगर प्राइस उसको ब्रेक करता है देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड इन इट, एंड स्ट्रक्चर भी एक अच्छा ही बन रहा है वहाँ पर। डेली चार्ट में देखेंगे तो ये जोन आपका शुड बी क्लियर विद द गुड वॉल्यूम, वॉल्यूम अच्छी आ रही है। लेट्स सी कि ये लेवल तोड़ता है कि नहीं, 124 का लेवल तोड़ेगा, डे क्लोज के ऊपर क्लोज होगा, देन यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड है यार, सिंपल। ओके, आप सपोर्ट करेगा 110 रुपीज़ का, सिंपल, 110 रुपये का स्टॉप लॉस और सपोर्ट, यू कैन से 124 इज योर एंट्री पॉइंट एंड योर टारगेट विल बी 140+, 150+। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, गुड मॉर्निंग ब्रो, योर चार्ट एनालिसिस रियली अप्रिशिएट, कैन यू गाइड मी फॉर PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। ओके, इट्स इन डाउन ट्रेंड ब्रो। ओके, क्लियरली डाउन ट्रेंड है, कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्विंग लोअर लो और लोअर हाई जो बना रहा है वो पर्टिकुलर टूटा नहीं है अभी तक। ओके, मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ, जो इसमें पर्टिकुलर स्विंग लोअर लो बनाया जा रहा है, ये एक ये है और एक ये है जो कि अभी तक टूटा नहीं है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड द PEL, नॉट टू ट्रेड ऑन इट। ये लेवल्स टूटेंगे जब जब देखा जाएगा, डाउन ट्रेंड है, अगर है आपका लॉन्ग साइड तो एग्जिट कर लीजिए। ओके, हीरो मोटो मैंने बता दिया है, नहीं बताया, नहीं बताया हीरो मोटो। ओके, बाउंस ऑफ फ्रॉम द सेम जोन अगेन, लेट्स सी इन वन वीकली चार्ट। ओके, रिवर्सल है। ओके, सो दिस इज द जोन वेयर वीकली चार्ट के, जहां से वो प्राइस बार बार बाउंस ऑफ हो रहा है, सेम इस जोन से भी हुआ, इस जोन से भी हुआ। सो दिस जोन इज अ गुड जोन फॉर द हीरो मोटो कॉर्प, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो हीरो मोटो कॉर्प में, सो यू कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड हेयर। ओके, डिप में अगर आपको मिलता है तो 2367 तक आप लोग, 2367, 2330 तक आप लोग बाई कर सकते हो,
ओके, और एट सी एम पी पे भी बाई कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2216। ओके, सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जील आई हैव ऑलरेडी टोल्ड प्रिंस पाइप। इज दिस ओके, अभी आईपीओ जो खुला है। ओके, आवरली देख लेते हैं। नथिंग गुड ब्रो अभी लेने का। और इसमें अब क्या बताऊँ, अगर आपको आपने एफपीओ अप्लाई करा हुआ है तो अभी बेटर है कि नहीं इसमें एंट्री करिए। ठीक है, कुछ पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन जाने दीजिए, इस लेवल को टूट जाने दीजिए, ये जोन जो है ये, देन वी विल सी कि क्या हो सकता है इसमें। अदरवाइज नथिंग न्यू, कुछ भी नहीं है इसमें जो हम ले। ओके, टी सी एस, लेट्स सी। ओके, टी सी एस देखो, पता ही चल रहा है साफ कि यहाँ पर हमारा ये कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन में मींस प्राइस को, प्राइस शुड ब्रोक दिस लेवल। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखोगे प्राइस क्लियरली कंसोलिडेशन जोन में है। छोटे मोटे मूव मिलते हैं इंट्राडे में, ओके स्विंग ट्रेड में, बट यहाँ पर अभी जो आपको लॉन्ग जाना है तो लॉन्ग इस लेवल को ही आपको वहाँ पर ये इनिशिएट करना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर। ओके, वीकली चार्ट पे। सो लेट्स सी के अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है देन वी विल इनिशिएट द ट्रेड, अदरवाइज इग्नोर करो टी सी एस को फिलहाल के लिए। ओके, सो कंसोलिडेशन में जोन है, नो ट्रेंड, नो क्लियर ट्रेंड, इट्स बेटर टू वेट फॉर द दिस जोन। तो अगर ये इसको तोड़ता है तो गाइस शार्प मूव आने की पॉसिबिलिटी है इन 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 टी सी एस। ओके, मतलब आप 3000 लेवल टूटता है और वो सस्टेन कर, सॉरी 3000 नहीं, 2300 लेवल, 2300 अगर वो ब्रेक करता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग रैली ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 100 to 200 पॉइंट्स ऑफ इन इन टी सी एस। ओके, नेक्स्ट इज अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट का तो हमारा अभी हाल फिलहाल ट्रेड हुआ था कुछ। ओके, अदानी पोर्ट डेली अच्छा लग रहा है। ठीक है, अदानी पोर्ट अच्छा लग रहा है गाइस, ऑन डिप यू कैन बाय अदानी पोर्ट का। और इसके ऊपर अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो और स्ट्रांग होगा ये, अदरवाइज अदानी पोर्ट स्टिल लुकिंग गुड। ओके, स्टिल लुकिंग गुड विद अ सपोर्ट ऑफ 275 यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टूवर्ड्स 390 एंड 395 प्लस। ओके, डिप में बाई करिए अगर मिलता है तो आपको। अच्छा, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज अदानी एक, ये देखिए, एक नियर अबाउट सेम ट्रेंड लाइन पर वर्क कर रहा है अदानी, इट्स इन अप ट्रेंड यू कैन से। ओके, सो इट कैन फॉलो दिस स्ट्रक्चर, सो एज एक्सपेक्टेड टारगेट ये होना चाहिए इसका, इस तरीके से टच, मतलब सीधा स्ट्रेट तो नहीं जाएगा बट इस तरीके से होता वो यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो दैट्स द रीजन फॉर अदानी। ओके, MNM, सो MNM देखो सीधी बात है, MNM मैंने बोला था आपको महिंद्रा कुछ लेवल्स बोली थी मैंने, उसको फॉलो करिएगा, वो उस लेवल पर उसको क्लोज नहीं हुआ वो, तो दैट्स वाई वी आर नॉट इनिशिएटिंग द ट्रेड एट दैट पॉइंट। ओके, सो महिंद्रा इन महिंद्रा आप लोग क्या, कौन सी लेवल थी वो, 540 के ऊपर मैंने बोला था, एंड इट हैज़ टू क्लोज अबव इट, 530 के ऊपर क्लोज होने दो, लेट्स सी के अगर वो क्लोज होता है तो वहाँ से एक अच्छा ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज कितने बच्चे हैं भाई, मारुति सुजुकी,
मैं फिर बोल रहा हूँ ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो सकती है क्योंकि सबकी एनालिसिस है, बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो आई हैव टू सॉल्व इट। ओके, मारुति सुजुकी सेम चार्ट है जैसा कि आपका उसमें बन रहा है निफ्टी ऑटो में। ओके, सो इट हैज़ टू क्लोज अबव इट। अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोज होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली फ्रॉम इट इन मारुति, अदरवाइज इग्नोर इट। ओके, अगर मैं निफ्टी ऑटो का भी आपको मैं अगर चार्ट दिखाता हूँ तो सेम चीज़ वहीं वही हो रही है। ठीक है, यू कैन सी दिस, ये लेवल इस तरीके से डेली चार्ट, ये लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है निफ्टी ऑटो में। ओके, लुपिन, लुपिन में देर इज़ नो व्यू क्योंकि वी एक ऐसे जोन पर है, मैं कोई इसमें व्यू नहीं दे सकता। ठीक है, पर्टिकुलरली इसमें कोई व्यू नहीं है, लेट्स सी ऑन बिगर टाइम फ्रेम एज वेल। सो ओके, नाउ इट्स ट्राइंग टू ब्रेक दैट डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में था क्लियरली ट्राइंग कर, मतलब ट्राई कर रहा है कि वहाँ से वो ब्रेक करे उस ट्रेंड को, और हम लोग जोन देखें तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट थी इसके लिए, और उसके बाद ओके, देर इज नथिंग सीन इन लुपिन स्पेशल, कुछ ऐसा नहीं है। फर्दर हम लोग एक ट्रेड अगर आपको लेना है तो इस स्विंग के ऊपर देख सकते हो, अदरवाइज नथिंग नथिंग सीन। ओके, एंड लेट्स सी, PEL मैंने बता दिया। ओके, क्लियर। तो यही सारे डाउट्स से गाइस आप लोगों के जितने भी मैंने जो क्लियर करे मैंने आप सबको बता दिया। एक क्वेरी और रह गई है जो कि है परसिस्टेंट सिस्टम। सो परसिस्टेंट सिस्टम, ये मेरा चार्ट है। ओके, ये मेरा चार्ट है पर्टिकुलरली, और मैं जो सोच रहा हूँ, जो एक बिल्डअप दिख रहा है वीकली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ मैंने जो बोला आपको कि प्राइस एक्शन चेंज कैसे होता है जब एक डाउन ट्रेंड टूटता है, डाउन ट्रेंड का स्विंग टूटता है, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ हुई है जहाँ पर एक परसिस्टेंट ने स्विंग को तोड़ा है। ठीक है, तो हम मैं जो ये लेवल देख रहा हूँ वीकली वीकली क्लोज, जब तक इस ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दिया था, ये वीकली क्लोज नहीं हुआ इसके ऊपर, तो 700 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है मेरे को, 688 700 के ऊपर वीकली क्लोज मिलता है इन परसिस्टेंट सिस्टम, सो वी कैन इनिशिएट अ लॉन्ग ट्रेड हेयर विद द स्टॉप लॉस ऑफ 660। ओके, टारगेट आपके ये लेवल करेंगे, ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है इस तरीके से, कर सकता है 100%, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर इस तरीके से, बट ये पॉसिबल है। ओके, ये परसिस्टेंट सिस्टम में ये मेरा खुद का व्यू था जो कि वीकली क्लोज पर इम्पोर्टेंट प्ले करेगा। ओके, एंड डेली चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आपको वेट करिए, वीकली जब भी क्लोज देता है इसके ऊपर दोबारा इस लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। और इसके फंडामेंटल्स बताऊँ तो इसमें बेसिकली जो मेरा मेन पॉइंट है फंडामेंटल इसके जो अच्छे हैं, जीरो डेट डेट कंपनी है ये, और इसके जो रेशियोज़ हैं वो अच्छे हैं, प्लस उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है। ओके, पीई रेशियो सही मिल रहा है और ग्रोथ अच्छी हो रही है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टरली। ओके, सो बहुत अच्छा लग रहा है ये। सो लेट्स सी के लेवल्स भी कंबाइन करा है फंडा प्लस टेक्नो, यू कैन से। ओके, फंडा टेक्नो इसमें दोनों मिलाए हैं, एंड देन विल टेक अ डिसीजन फ्रॉम इट। सो होपफुली मैंने मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर दिया है, जो भी आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज थी, बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सेम क्वेरीज थी ज़्यादातर लोगों की। सो ये सारी मैंने क्लियर करी, लेवल्स क्लियर करे हैं, और पसंद आए आपको, अगर समझ में आए या कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, ताकि अब मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप मिस ना कर पाओ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, एंड शेयर करना जितना हो सके आप लोगों से, जितना हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सबका।
प्यार इस तरीके से ही मिलता रहे, हम लोग ग्रो करते रहे, आपकी आप और हम दोनों मिलकर इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कर पाए, अचीव कर पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।